जल्द ही बिजली कटौती बीते दिनों की बात होने वाली है। सरकार 1 अप्रैल से 24 घंटे बिजली का रास्ता साफ करने जा रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 24 घंटे बिजली देना जरूरी करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बिजली मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो बिजली कंपनियां 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कराएंगी उन पर जुर्माना लगेगा, यानी कि 1 अप्रैल से बिजली कंपनियों के लिए 24 घंटे बिजली देना अनिवार्य हो जाएगा। और इस खबर पर पूरी जानकारी लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश, बताएं इस कैबिनेट नोट में क्या डिटेल्स दी गई हैं और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, सरकार पावर फॉर ऑल के टारगेट के साथ तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन उसमें एक ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि 2400 घंटे बिजली मिले। बिजली मिले वो ज़रूरी है, लेकिन 2400 घंटे बिजली मिले ये सरकार का एक काफ़ी महत्वाकांक्षी टारगेट है और उसके मद्देनज़र सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं और उसको लेकर न्यू टैरिफ पॉलिसी तैयार हो रही है। उस पॉलिसी का एक हिस्सा है कि आपको अप्रैल 2019 के बाद से 2400 घंटे बिजली देना है। आप कंज्यूमर को मना नहीं कर सकते कि आप उनको बिजली नहीं दे सकते। अगर आपके पास डिस्कॉम्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया है कि डिस्कॉम्स के पास इस बात का बहाना नहीं होना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो सफिशिएंट पावर नहीं खरीद सकते, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो टाइम पर बिजली बिल पे कर रहा है, तो आपको 2400 घंटे बिजली देना होगा। ये उस पॉलिसी का ज़रूरी हिस्सा है और उसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही नेट के सामने रखा जाएगा। हालांकि इसमें दो तरह की छूट है और जो शर्त है वो ये है कि अगर कोई तकनीकी खराबी आती है लाइन में या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है, कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अगर लाइन डिस्टर्ब होती है तो ऐसी स्थिति में बिजली में कटौती की जा सकती है और इस पर फिर पेनाल्टी नहीं लगेगा। लेकिन इन दो शर्तों के अलावा अगर बिजली की सप्लाई नहीं होती है तो डिस्कॉम्स पे जो स्टेट रेगुलेटर्स हैं वो पेनाल्टी लगाएंगे। ये इस पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। मसलन ये कि इसके लिए जरूरी ये है कि जो डिस्कॉम्स हैं उनका वित्तीय हालात मजबूत किया जाए और इसके लिए एटीएनसी लॉसेस में कमी आए। लेकिन अभी जो एटीएनसी लॉसेस है वो औसत लेवल अगर देखें पूरे देश में वो करीब करीब 22% है, लेकिन टारगेट ये रखा गया है कि इसको 15% से नीचे लाई जाए और इसके लिए टारगेट जनवरी 2019 ही था, लेकिन अभी भी ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे बिजली चोरी को रोका जाए और जो टेक्निकल लॉसेस होती हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार और डिस्कॉम्स मिलकर कैसे इस टारगेट को पूरा करते हैं और 1 अप्रैल से इस चुनौती को कैसे पार पाते हैं और कैसे 24/7 के जो बिजली सप्लाई का टारगेट है उसको पूरा किया जाता है। चलिए, तो किसी भी नए बदलाव को जब रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है तो चुनौतियां तो कई सारी होती है, लेकिन इन सब बातों से एक बात तो तय है कि 1 अप्रैल से 24 घंटे सातों दिन बिजली मुहैया कराना अब बिजली कंपनियों के लिए अनिवार्य होने जा रहा है।